इस सरकार नीतियां दे खिलाफ लोगों का बतबा है। जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार बड़े बड़े दावे करके बदलाव दीआं गल्लां करके इनकलाब दीआं गल्लां रंगले पंजाब दीआं गल्लां करके लोगों ने इनकार दा, क्योंकि असल मुद्दे बिल्कुल विसार ते, चाहे वह पानियां दा, राजधानियां दा, यूनिवर्सिटियां दा, साडे डैमां दा, जिहड़े साडी होंद नाल जुड़े हुए मुद्दे ने, जिन्हें आने वाले समय के पंजाब की विरासत को किवें जिउंदा रखना, पंजाबीयत को असीं किवें जिउंदा रखना, साडियां बोलियां के मुद्दे सारे भुला के इन्हां नूं लग्गिया कि लोगों नूं कोई असी बिजलियां के लालच दे के सफरां के लालच दे के 1000 रुपये खाते च पा के पता नहीं लोगों नूं भरवा लांगे। देखो दो मुख्यमंत्री, दो सूबियां दे MLA मंत्री, सरकारी तंत्र सरकारी मशीनरी जोर लग्या होवे, लोगों ने मुद्दे मूँह मारे, समझ लो इत्थों तुहाडे कोल 4.5 साल पए आ, लड़ो मोदी के खिलाफ इकट्ठा के मोदी के मूहरे जाके बैठो, तो संसद मूहरे के घर मूहरे कि ना यूनिवर्सिटी, ना पानी, ना राजधानी, ना डैम, कुछ भी नहीं जान देवे, पंजाब तुहाडे नाल खड़ूगा। पर जे आही डंग टपाऊ नीति, लोक लुभाऊ नीतियां दे लोगों तो लोग समझते, लोगों के बुद्धू नहीं है, छोटिया कहानियां चुटकलियां च नहीं आने भवंसिया। मैं कल तेन बोलते सुनिया विधानसभा बजट सैशन के बच्चा, तू हले भी वह तक तुरै फिर, मैं विरोधी दर्च है, हाले भी तू सवाल बादलों से कांग्रसियों यार तू जवाब दे यार, 3 महीने तेरी सरकार बनी है, असं आम बंदे हाँ, कितने कहते जी असं आम है, फिर VIP कल्चर क्यों नहीं खत्म किया, क्यों गनमैन कल्चर 5-5, 7-7 गनमैन, क्यों करोड़ों रुपया हथियारों से, क्यों करोड़ों रुपया, लखा रुपया चैनलों दिया एडा दे रहे हो, क्यों जहाजों के उत्ते करोड़ों रुपया तेल फूक रहे हो, किहड़े आम हो तुसीं, कदे कहा कि यह कि इत बादलों ने आपदे परिवार के इलाज कराए खजानों चो, सुरेंद्र कौर बादल का इलाज होया, प्रकाश बादल का इलाज होया, होर लीडरों का इलाज होया, तुसीं ओ पंजाब दे लोकां दा पैसा, खजाने का पैसा, जिहड़ा पंजाब अज मोहताज होया पिया, इन्ना करजा चढ़िया पिया पंजाब दे सिर ते, उहदा पैसा तुसीं अरबां करोड़ां रुपया उड़ा रहे हो, फालतू उड़ा रहे हो, इहदा जवाब दे कौन है, इहदा जवाब दे कौन है मुख्यमंत्री साहब। तुसीं कदे कहिंदे सी कि सिस्मां च फिरदा रहिंदा कैप्टन दा, एज सुखबीर अपना बाला सर फिरदा रहिंदा है, ते हुण तुसीं दसोगे कि तुसीं 100 दिन की सरकार है, 5 दिन मैं गिना दिना, जिते सहु चक्की आ उदे, जिते खैरे नूं मिलना है उदे, 3 दिन होर 5 दिन तुसीं बैठे हो दफ्तर अपने मुख्यमंत्री दा दफ्तर, 27 तुहाडे कोले महकमे है, तुहानूं 27 महकमे सैकटरी नहीं पता होना किहड़े आ, कम किवें चलाओगे, गल्लां नाल कहानियां चुटकलियां नाल बहुत हो गया यार, ये चुटकले कहानियां ट्वीट करते, यूनिवर्सिटी गई ट्वीट करता, टाइमां दा प्रबंध किया बयान लाता, ट्वीटां ना बचणगियां यूनिवर्सिटियां, बयानां ना बचणगियां, सिखो मैं बहुत बारी कहना हूं, सिखो इतने पछमी बंगाल की मुख्यमंत्री तो, सिखो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तो, किवें अपने हकों की खातर, अपने सूबे को बचाने की खातर, अपनी बोली को बचाने की खातर, अपनी विरासत को बचाने खातर लड़ रहे हैं, तो मोदी के अगे हिकड़ा रहे हैं, पर तुसी नहीं वह मुद्दों पर आए, आहे सामने चपेड़ है। एक गल मैं इतों होर कह देनी चाहना है, सेंटर की हुकूमत को BJP समझ लेना चाहिए हूँ, कि ये पंजाब के लोगों की तस्वीर बारे तो पंजाब के लोग चाहते की है, जे दो सो यह इस सरकार नीतियां के खिलाफ लोगों का बतबा है। जिहड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार बड़े बड़े दावे करके बदलाव दीआं गल्लां करके इनकलाब दीआं गल्लां रंगले पंजाब दीआं गल्लां करके लोगों ने इनकार दा, क्योंकि असल मुद्दे बिल्कुल विसार ते, चाहे वह पानिया का, राजधानिया का, यूनिवर्सिटियां का, साडे डैमां का, जिहड़े साडी होंद नाल जुड़े हुए मुद्दे ने, जिन्हें आने वाले समय के पंजाब की विरासत को किवें जिउंदा रखना, पंजाबीयत को असीं किवें जिउंदा रखना, साडियां बोलियां के मुद्दे सारे भुला के इन्हां नूं लग्गिया कि लोगों को कोई असी बिजलियां के लालच दे के सफरां के लालच दे के 1000 रुपये खाते च पा के पता नहीं लोगों को भरवा लांगे। देखो दो मुख्यमंत्री, दो सूबियां दे MLA मंत्री, सरकारी तंत्र सरकारी मशीनरी जोर लग्या होवे, लोगों ने मुद्दे मूँह मारे, समझ लो इत्थों तुहाडे कोल 4.5 साल पए आ, लड़ो मोदी के खिलाफ इकट्ठा के मोदी के मूहरे जाके बैठो, तो संसद मूहरे के घर मूहरे कि ना यूनिवर्सिटी, ना पानी, ना राजधानी, ना डैम, कुछ भी नहीं जान देवे, पंजाब तुहाडे नाल खड़ूगा। पर जे आही डंग टपाऊ नीति, लोक लुभाऊ नीतियां दे लोगों तो लोग समझते, लोगों के बुद्धू नहीं है, छोटिया कहानियां चुटकलियां च नहीं आने भवंसिया। मैं कल तेन बोलते सुनया
ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦਰਜ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਰਜ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਯਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਲਚਰ 5-5, 7-7 ਸੌ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਤੇਲ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਆਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਮਹਤਾਜ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਲਤੂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸਮਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਖਵੀਰ ਆਪਣਾ ਬਾਲਾ ਸਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ 5 ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ ਉਹਦੇ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ 27 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 27 ਮਹਿਕਮੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਓਗੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਟਵੀਟ ਕਰਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਈ ਟਵੀਟ ਕਰਤਾ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਲਾਤਾ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾ ਬਚਣਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾ ਬਚਣਗੀਆਂ ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੱਕੜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਪੇੜ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ